हाय एवरीवन, आज हमारे पास है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो सेकंड पार्ट था अलजबरा। अब हम इसमें इनइक्वालिटी के पास्ट पेपर्स देखने लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइड प्रॉब्लम्स करेंगे, सो देखते रहिए। इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसके कुछ सिंपल्स हैं, उनको हम देखते हैं। हमारे पास जो इसका फर्स्ट सिंपल है वो होता है लेस देन। इसको हम कहते हैं, पढ़ते हैं लेस देन। देन हमारे पास होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। देन हमारे पास होता है ग्रेटर देन। जब ऐसे होगा तो ग्रेटर देन। देन हमारे पास है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू। यस, और इक्वल टू। तो ये था हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स है 3 एंड वाई हमारे पास है -2। सो हम ये कह सकते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। और फिर हम इसको लिख सकते हैं वाई इज़ लेस देन एक्स, क्योंकि जो एक्स है पॉजिटिव वो बड़ा है वाई से। और हम इसको लिख सकते हैं वाई इज़ लेस देन एक्स की जो -2 है वो लेस है 3 से। देन हम लिख सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 10 एंड वाई इज़ इक्वल टू 15। हम इसको क्या कहेंगे, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। और फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज़ लेस देन वाई। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। सो हम इसके जो पास्ट पेपर्स हैं वो हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज़ लेस देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव। सो ये क्वेश्चन हमारे पास है एक्स वाई, इट मीन्स दैट यहाँ पर टू नंबर्स का प्रोडक्ट है। नंबर्स हैं कुछ एक्स एंड वाई और उसका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है और x इज़ लेस देन 0। तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0 उस वक्त ही होगा कि जबकि हमारे पास जो x एंड y है, x एंड y दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे उस वक्त हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, या फिर x एंड y दोनों हमारे पास नेगेटिव होंगे तब हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है। अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव हैं एक्स एंड वाई, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव तो वैसे ही बड़ा होता है। तो हमारे पास अगर ये एक्स इज़ लेस देन 1 0 है विच आर फॉलोइंग, तो वाई को भी फिर नेगेटिव होना चाहिए। सो वाई को नेगेटिव, अगर इसका मतलब है कि एक्स लेस है 0 से, इसका मतलब ये नेगेटिव है, देन वाई को भी नेगेटिव होना चाहिए। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, विच ऑफ़ द फॉलोइंग नेगेटिव वाई। एक्स माइनस एक्स भी नहीं हो सकता, माइनस वाई भी नहीं हो सकता, एक्स वाई भी नहीं हो सकता, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास था कि इफ़ एक्स वाई ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट टू नंबर्स हमारे पास या तो वो दोनों पॉजिटिव हों, तो हमारे पास ये सिनारियो करेक्ट है, या फिर वो दोनों नेगेटिव हों। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि एक्स इज़ लेस देन 0, तो फिर आप कौन सा इसमें से नेगेटिव होगा, सो वाई भी हमारे पास नेगेटिव होगा, तो ये सिनारियो करेक्ट हो गया। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए माइनस बी इज़ लेस देन 0, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें पता है कि ए इज़ ग्रेटर देन 0 है एंड बी इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास a माइनस बी इज़ लेस देन 0, यहाँ पर ये नेगेटिव है, और ये कब पॉसिबल है, व्हेन a इज़ लेस देन b, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सोल्व किया है, जबकि ए पॉजिटिव था, बी भी पॉजिटिव था, लेकिन ये नेगेटिव था, इसको हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ए और ये लेस देन माइनस बी, इधर जाके पॉजिटिव बी हो गया था, तो ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ द राइट ऑप्शन। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ए माइनस बी था, दोनों तरफ से प्लस बी आप इधर भी पुट कर दें, प्लस बी लेस देन ए भी हम प्लस बी पुट कर देते हैं, यहाँ से बी बी से कैंसिल हो गया, तो ए इज़ लेस देन बी।
अगर आपके पास इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके साथ अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लगाकर दोनों साइड पर ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस बी लगा दिया था, इधर भी प्लस बी एंड माइनस बी से कैंसिल हो गया था, एंड देन हमारे पास ए बी रह गया था, सो ए इज़ लेस देन बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लाइन्स L1 एंड L2 मीट व्हेन एक्सटेंडेड टू द राइट, विच इनइक्वालिटी बेस्ट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये लाइन्स हैं एक्सटेंडेड टू द राइट, तो इट विल मेक ट्राई एंगल। ट्राइंगल में हमारे पास जो सम होता है एंगल्स का वो 180 होता है। हमारे पास जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180। टोटल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, और जबकि हमें पता है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज़ लेस देन 80 होता है। कोई भी आप टू एंगल्स ले लेंगे, उसमें जो ए प्लस बी फॉर एग्जांपल प्लस सी था, इनका सम 180 था। हमारे पास टोटल थ्री एंगल्स का सम 180 होगा। हमारे पास एनी टू एंगल्स ए प्लस बी इज़ लेस देन 180 होगा। टू एंगल्स का अगर सम करेंगे तो वो लेस देन 180 होगा। सो हमारे पास बी इज़ द राइट ऑप्शन, कि हमें पता है कि जो हमारे पास टोटल ट्राइंगल होती है उनके जो टोटल एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 180 होता है, और एनी टू एंगल्स का फॉर एग्जांपल ये वाले एंगल्स या ये वाले एंगल्स ए प्लस बी वो लेस देन 180 होता है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 7 एंड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। सिंस बोथ इनइक्वालिटीज हैव सेम डायरेक्शन, सो वी कैन एड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो सोल्यूशन हमारे पास है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 7, इक्वेशन 1 है, देन ए माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास 2 है। सो हम इनको ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स को, ये प्लस हो रही हैं, ए प्लस बी और माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। 2a इज़ ग्रेटर देन 12, देन a को फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड्स पर 2 से डिवाइड कर देंगे। देन a इज़ ग्रेटर देन 2, 1s are 2, 2 6s are 12 एंड 2 2 से कैंसिल, a इज़ ग्रेटर देन। सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 6, सो ए इज ग्रेटर देन 6, ए इज द राइट ऑप्शन। सिंपल, हमारे पास जब ये क्वेश्चंस की डायरेक्शन सेम हो तो वो तो बहुत ही सिंपल है। उन दोनों को जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हमने ऐड किया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने ऐड कर लिया देन 6, सो ए इज द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी एंड एंड सी इज़ लेस देन 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमारे पास कुछ एग्जाम्स हैं जो कि अगर हम ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई करवा दें या बी के साथ, तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देता है। अगर हम इसकी ऑप्शन ए देखें तो इसका मतलब है कि इसके साथ सी मल्टीप्लाई इधर भी करवा दिया, सी मल्टीप्लाई इधर भी करवा दिया, लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड्स रिवर्सेस द इनइक्वालिटी। सो हमारे पास क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ए सी इज लेस देन बी सी, ये हमारे पास करेक्ट है। हमारे पास अगर हम क्या करें, इधर भी प्लस करवा दें सी से, ए प्लस सी एंड इधर भी बी प्लस सी, हमारे पास बी ऑप्शन बी करेक्ट है। देन अगर हम सी पर आएँ, ए माइनस सी, अगर हम माइनस करवा देते ए माइनस सी, देन ग्रेटर ही आना था बी माइनस सी से, सो ये हमारे पास सी इज़ द राइट ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन ट्रू नहीं है। जबकि ये ऐसे ही आना था ए माइनस सी, अगर हम माइनस करवा देते इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ ग्रेटर देन बी माइनस सी। इनइक्वालिटी पे प्लस और माइनस करने से इनइक्वालिटी सेम रहती है, उसका साइन चेंज नहीं होता, जबकि मल्टीप्लिकेशन से ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर ये ग्रेटर थी तो लेस हो जाएगी, लेस थी तो ग्रेटर हो जाएगी।
मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड्स रिवर्सेस द इनइक्वालिटी. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए था, बी करेक्ट ऑप्शन था, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि करेक्ट नहीं है. और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो कौन सी है, वो ये है. हमारे पास ये थी फर्स्ट इक्वेशन ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड सेकेंड इक्वेशन थी सी इज़ लेस देन ज़ीरो. तो हम लोग इसके साथ सी मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, दोनों में प्लस भी करवा सकते हैं, माइनस भी करवा सकते हैं. इफ़ ए इज़ इक्वल टू वन एंड वन इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. सो ऑप्शन ए है ए इज़ इक्वल टू बी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ए इज़ इक्वल टू बी नहीं हो सकता, जबकि ए इज़ इक्वल टू वन है और जो बी है ये है वन इज़ ग्रेटर देन बी, बी छोटा है ए से, सो ये इज़ इक्वल टू बी नहीं हो सकता. और बी इज़ ग्रेटर देन ए भी नहीं हो सकता, जबकि बी इज़ लेस देन वन है और ए की वैल्यू वन है, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता. अगर हम इस पर जाएँ तो हमारे पास वन ओवर बी इज़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये कुछ भी हो सकता है, जबकि ए हमारे पास सिंपल वन था, सो ये ग्रेटर हो सकता है. वन ओवर बी इज़ ग्रेटर देन ए, सी इज़ द राइट ऑप्शन. वन ओवर ए इज़ लेस देन बी, ये भी नहीं है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन. वन ओवर बी इज़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, सो इट इज़ ग्रेटर देन ए, जबकि ए की वैल्यू सिंपल वन है, इसकी वैल्यू वन से बड़ी भी हो सकती है. Then the next question is, if A is less than C and A is less than B, assume A is greater than and is equal to 0, then which of the following statements are always correct? हमारे पास वैल्यूज गिवन नहीं है ए बी एंड सी की, देन हम अज्यूम नहीं कर सकते कि बी इज़ लेस देन सी है कि नहीं, देन ए इज़ लेस देन बी सी भी हम अज्यूम नहीं कर सकते. लेकिन जो हमारे पास ये थ्री है इसमें हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए है उसके साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन बी प्लस सी हो रहा है. सो टू ए अगर जितना भी ए बड़ा हो लेकिन बी प्लस सी ग्रेटर होगा, देन 2a इज लेस देन b प्लस सी, सो 3 इज द राइट ऑप्शन, सी ओनली इज द राइट ऑप्शन. और हमारे पास ऊपर वैल्यूज नहीं दी गई, लेकिन हम इन ऑप्शन से ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर आएगी b प्लस सी, और ये 2a इज लेस देन होगा, जबकि हम इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, सो सी इज द राइट ऑप्शन. देन हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 6 माइनस a इज ग्रेटर देन 7, देन हमारे पास कौन सा आंसर आएगा. इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 7, हम ये जो 6 है इसको इधर जाके ले जाते हैं, माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 7, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 7 माइनस 6 इज़ 1. हम क्या करते हैं, माइनस वन बोथ साइड्स पर डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जो ए के साथ माइनस है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में किसी में भी ए के साथ माइनस नहीं है. सो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय माइनस वन, माइनस वन से इधर भी डिवाइड कर दिया, माइनस वन से इधर भी डिवाइड कर दिया, माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो साइन है ये फ्लिप हो जाएगा. सो इसके लिए हमारे पास होता है ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ए इज़ लेस देन, ये जो है वन ओवर माइनस वन इज़ माइनस वन, ए इज़ लेस देन माइनस वन, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन. ए हैज़ टू बी अ होल नंबर सच दैट ज़ीरो इज़ लेस देन और इक्वल टू ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, द सोल्यूशन फॉर ए इज़ लेस देन 4 एंड ए इज़ ग्रेटर देन एंड इज़ इक्वल टू 6 इज़. इस क्वेश्चन का मतलब था ए हैज़ टू बी अ होल नंबर, हमारे पास ज़ीरो से लेके 10 तक होल नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारे पास है होल नंबर्स. ये हमारे पास हैं 0 टू से लेके 10 तक होल नंबर्स हैं, जबकि सोल्यूशन है फॉर ए इज़ लेस देन 4, हमारे पास ए इज़ लेस देन 4 के लिए हमारे पास हैं जो ए हमारे पास ये सेट होल नंबर्स का है, जबकि ए इज़ लेस देन 4 वाले कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि ए इज़ लेस देन 4 हैं, वो है 0, 1, 2 एंड 3, 0, 1, 2 एंड 3, ये ए इज़ लेस देन 4 हैं. जब ए इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 6 क्या है,
सो हम कहते हैं सिक्स से स्टार्ट करें, हमारे पास ये हैं ए इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू सिक्स के लिए हम कहते हैं कि ये सिक्स से स्टार्ट करें, सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। हमारे पास ये नंबर्स और ज़ीरो वन टू थ्री में से कोई भी कॉमन नहीं है, सो इसके लिए हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन। हमारे पास इस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था ए हैज़ टू बी अ होल नंबर। ये हमारे पास ए होल नंबर है ज़ीरो टू टेन तक, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। द सोल्यूशन फॉर ए इज़ लेस देन फोर, ए इज़ लेस देन फोर के लिए जो सोल्यूशन है वो ज़ीरो वन टू थ्री हैं जो कि फोर से लेस हैं। देन हमारे पास है एंड ए इज़ ग्रेटर देन एंड इज़ इक्वल टू सिक्स, सिक्स से स्टार्ट करें कि उसमें जो सिक्स इज़ इक्वल टू भी सिक्स हो और उससे बड़े वाले, सिक्स से स्टार्ट करें, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये इसका सोल्यूशन है। सो सिक्स एट नाइन टेन और ज़ीरो वन टू थ्री में से कोई भी कॉमन नहीं था, देन हमारे पास नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास है फाइव एक्स इज़ ग्रेटर देन टू एंड वन ओवर टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू फोर, लिस्ट ऑल द पॉसिबल इंटेग्रल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है, हमारे पास इक्वेशन नंबर वन थी फाइव एक्स इज़ ग्रेटर देन टू, एंड देन हमारे पास है एक साइड पर वन ओवर टू एक्स इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू फोर। यहाँ पर हम लोग जो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव, ये हमारे पास फाइव फाइव से कैंसिल, एक्स इज़ ग्रेटर देन टू ओवर फाइव। एक साइड पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, दूसरी साइड पर वन ओवर टू एक्स के साथ हम ये टू को ख़त्म करने के लिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय टू, लेस देन और इज़ इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय टू, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू फोर, टू ज़ार एट। एंड फ्रॉम अबव द इंटीजर्स ग्रेटर देन टू ओवर थ्री एंड लेस देन एट, लेस देन और इज़ इक्वल टू एट, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ये हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी फ्रॉम अबव द इंटीजर्स ग्रेटर देन टू ओवर फाइव एंड लेस देन एंड इक्वल टू एट आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी माइनस वन इज़ लेस देन फाइव एक्स माइनस सिक्स इज़ लेस देन एंड इज़ इक्वल टू फोर इन होल नंबर इज। हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन माइनस वन इज़ लेस देन फाइव एक्स इज़ लेस देन सिक्स इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू फोर। हम लोग सबसे पहले सिक्स को ख़त्म करते हैं, हमारे पास माइनस सिक्स है तो हम हर जो टर्म है उसके साथ प्लस सिक्स ऐड करते हैं, ऐड प्लस सिक्स, प्लस सिक्स हम हर टर्म के साथ लगाते हैं, माइनस वन प्लस सिक्स इज लेस देन फाइव एक्स प्लस सिक्स, फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड साथ क्या है, माइनस सिक्स इज लेस देन और इज इक्वल टू फोर प्लस सिक्स, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फाइव इज लेस देन फाइव एक्स माइनस एंड प्लस कैंसिल हो गए, इज लेस देन और इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है टेन। अब हम क्या कहते हैं कि हम फाइव को ख़त्म करते हैं, हम फाइव को ख़त्म करने के लिए हर साइड पर डिवाइडिंग बाय फाइव कर देते हैं, हम फाइव को हर साइड पर डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं फाइव ओवर फाइव, यहाँ पर हम लिखते हैं टू गेट रिड ऑफ फाइव, तो हम क्या करेंगे, सब साइड्स पर फाइव को डिवाइड कर देंगे, फाइव एक्स ओवर फाइव इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू टेन ओवर फाइव। यहाँ पर फाइव को हमने ख़त्म किया तो हमारे पास ये आ गया वन इज़ लेस देन फाइव एक्स इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू फाइव, वन ज़र फाइव फाइव टू ज़र टेन।
हमारे पास ये आ गया है, वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू टू, ओनली टू इज़ अ होल नंबर सॉल्यूशन। हमारे पास ये आ गया था, वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू टू, ओनली टू इज़ अ होल नंबर सॉल्यूशन, ओनली टू इज़ अ होल नंबर सॉल्यूशन। सो हमने, अगर हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटी है तो हम लोग सबसे पहले किसी को भी आप ख़त्म करें ताकि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाए। सबसे पहले हमने सिक्स को ख़त्म करने के लिए हर साइड पर प्लस सिक्स ऐड किया था, प्लस सिक्स ऐड किया था, देन हमने फाइव को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई फाइव किया था ताकि ये एक्स के साथ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो सके। सो हमारे पास ओनली टू इज़ अ होल नंबर, बी इज़ द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्टी वाई इज़ ग्रेटर देन थ्री एक्स माइनस टू, इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, हमारे पास है वाई इज़ ग्रेटर देन थ्री एक्स माइनस टू, को लिख सकती हूँ कि x इज ग्रेटर देन y, और मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर था y इज ग्रेटर देन, मैं लिख सकती हूँ x इज ग्रेटर देन 3x माइनस टू। हम कहते हैं कि हम यहाँ बोथ साइड्स माइनस 3x ऐड करते हैं, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन प्लस 3x एंड माइनस 3x एंड माइनस टू। हमारे पास ये क्या रह जाएगा, x एंड माइनस थ्री एक्स इज माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड प्लस थ्री कैंसिल हो गए, और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस टू। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पर हम माइनस टू से डिवाइड कर देंगे, माइनस टू से डिवाइड करने पर हमारे पास ये साइन फ्लिप हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, x इज लेस देन वन, x इज लेस देन वन, c इज़ द राइट ऑप्शन। ये हमने इसका सोल्यूशन किया था, इक्वेशन थी y इज़ ग्रेटर देन 3x माइनस टू और a इज़ ग्रेटर देन b था, इट मीन्स दैट x इज़ ग्रेटर देन y। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो x ग्रेटर है y से, x इज़ ग्रेटर देन y, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि ये जो है x इज़ ग्रेटर देन, इस ये जो इक्वेशन है 3x माइनस टू, हमने हमारे पास ये एक्स के साथ हमने प्लस था, हमने माइनस थ्री एक्स लगा दिया बोथ साइड्स पर, सो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है एक्स इज़ लेस देन वन। यहाँ पर जब किया था एक्स माइनस थ्री एक्स इज़ ग्रेटर देन थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स, हमारे पास माइनस टू एक्स आ गया था इज इक्वल टू इज़ ग्रेटर देन माइनस टू आ गया था, सो बोथ साइड्स पर हमने माइनस टू से डिवाइड किया, एक्स इज़ लेस देन वन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। इफ ए इज ए ओवर टू माइनस टू इज ग्रेटर देन ए ओवर थ्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसका सोल्यूशन हमारे पास है ए डिवाइडेड बाई टू माइनस टू इज ग्रेटर देन ए ओवर थ्री। हम लोग क्या करते हैं, माइनस ए ओवर टू ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड्स, एडिंग ऑन बोथ साइड्स, माइनस ए ओवर टू एडिंग ऑन बोथ साइड्स, और हमें हमारे पास यहाँ पॉजिटिव था इसलिए हमने माइनस ए ओवर टू किया है, ए ओवर टू के साथ माइनस ए ओवर टू माइनस टू इज ग्रेटर देन ए ओवर थ्री माइनस ए ओवर टू, यह हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस देन आ गया, माइनस टू इज ग्रेटर देन, हमारे पास अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये आएगा टू ए माइनस थ्री ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देन थ्री टू ज़ार सिक्स, माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस ए डिवाइडेड बाय सिक्स। हमारे पास है ये ए माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस ए ओवर सिक्स, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए ओवर सिक्स इज लेस देन माइनस टू, जबकि यहाँ पर था माइनस टू इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर भी हमारे पास ये लेस है और ये एक ही बात है, और हम क्या करते हैं माइनस ए इज़ लेस देन सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, और हम क्या करते हैं बोथ साइड्स को हम माइनस वन पे डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास ये जो है पॉजिटिव हो जाए, सो ये हो जाएगा ए, और साथ हमारे पास ये फ्लिप हो जाएगा, ये रिवर्स हो गया है, ए इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व।
इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया था, ए ओवर टू माइनस टू इज ग्रेटर देन ए ओवर थ्री, हमारे पास ये पॉजिटिव था, इसके साथ हमने ऐड किया हर टर्म के साथ माइनस ए ओवर टू, ए ओवर टू माइनस ए ओवर टू माइनस टू इज ग्रेटर देन ए ओवर थ्री माइनस ए ओवर टू, यहाँ से प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस टू इज़ ग्रेटर देन, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टू ए माइनस थ्री ए डिवाइडेड बाई टू, थ्री ज़ार सिक्स, माइनस टू इज़ ग्रेटर देन माइनस थ्री ए एंड प्लस टू ए इज़ माइनस ए ओवर सिक्स, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए ओवर सिक्स इज़ लेस देन माइनस टू, देन माइनस ए इज़ लेस देन सिक्स, टू ज़ार ट्वेल्व, और हमने माइनस के साइन ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर माइनस वन से डिवाइड कर दिया था, और हमारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है जबकि हम उसको डिवाइड करते हैं माइनस वन से, तो अगर आप ऐड और प्लस करें तो हमारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, सो ए इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व, हमारे पास बी इज़ द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन का। देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी सेवन ए माइनस फाइव इज लेस देन टू ए प्लस एटीन। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे पास है सेवन ए माइनस फाइव, सेवन ए माइनस फाइव इज लेस देन टू ए प्लस एटीन, ये हमारे पास क्वेश्चन था, सो इसका सलूशन देखते हैं। हमारे पास जो ए है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, सेवन ए यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर आके नेगेटिव हो गया, माइनस टू ए इज़ लेस देन एटीन, और यहाँ पर माइनस नेगेटिव था, इधर जाकर पॉजिटिव हो गया है, सेवन ए माइनस टू ए इज़ फाइव ए, साइन पॉजिटिव का आएगा क्योंकि सेवन बड़ा है, इज़ लेस देन एटीन प्लस फाइव इज़ ट्वेंटी थ्री, फाइव को फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पर फाइव को डिवाइड कर देंगे, ए इज लेस देन ट्वेंटी थ्री, फाइव फाइव से कैंसिल हो गया, सो ए इज लेस देन ट्वेंटी थ्री ओवर फाइव, और आप इसको इस तरह से भी देख सकते थे, जब था फाइव ए इज लेस देन ट्वेंटी थ्री तो ए इज लेस देन ट्वेंटी थ्री, ए इज लेस देन ट्वेंटी थ्री, ए इज़ द राइट ऑप्शन। द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी इज पी स्क्वेयर माइनस फाइव पी प्लस सिक्स इज नेगेटिव। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं पी माइनस थ्री एंड पी माइनस टू, ये मैंने किस तरह से बनाए हैं, अगर आप यहाँ पर लिखें पी स्क्वेयर माइनस थ्री पी एंड माइनस टू पी प्लस सिक्स, हमारे पास जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं माइनस थ्री पी एंड माइनस टू पी को, तो हमारे पास ये मिडल वाली टर्म बननी चाहिए, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये लास्ट वाली टर्म बननी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का मेथड है कि हमारे पास जो मिडल टर्म है वो दो फैक्टर्स को प्लस करने से आती है, और जब उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो जो हमारे पास ये थर्ड टर्म है वो बनती है। सो माइनस फाइव पी किस तरह से बना, माइनस थ्री पी माइनस टू पी, अगर हम इनको प्लस करें तो साइन माइनस का रहेगा, लेकिन थ्री प्लस टू इज़ फाइव पी हो जाएगा, जब थ्री मल्टीप्लाई बाई टू करवाएंगे तो हमारे पास सिक्स आएगा, माइनस थ्री एंड माइनस टू इज़ पॉजिटिव सिक्स, सो हमारे पास अगर हम इसमें से पी कॉमन लें तो पी माइनस थ्री और देन माइनस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा पी माइनस टू। हम कहते हैं इफ़ द इम्प्रेशन इज नेगेटिव देन द फैक्टर्स मस्ट हैव ऑपोजिट साइंस, इफ पी माइनस टू इज नेगेटिव एंड पी माइनस थ्री इज पॉजिटिव देर इज नो सच नंबर, इट इज़ ओनली पॉसिबल वेन पी माइनस थ्री इज नेगेटिव एंड पी माइनस टू इज पॉजिटिव देन पी, ये हमारे पास उस वक्त ही पॉसिबल है जबकि पी माइनस थ्री जो नेगेटिव हो और जबकि ये हमारे पास पॉजिटिव हो, तो हम लिख सकते हैं P is greater than 2, हम लिख सकते हैं P is greater than 2 and then P is less than 3, जबकि हमारे पास ये पॉजिटिव होगा तो P is greater than 2 और जब ये नेगेटिव होगा तो P is less than 3, तो हम ये लिख सकते हैं 2 is less than P is less than 3, so B is the right option. Thank you so much.